हेलो, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल रामायण के सेट से रणबीर कपूर और साई पल्लवी की भगवान राम और माता सीता के रूप में नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल रामायण के ग्रैंड सेट से भगवान राम के तौर पर रणबीर कपूर और साई पल्लवी की नई फोटोज लीक हो गई है, जिन्होंने अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और इस पर यूजर्स भी अपने तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ब्रिंग योर बेबी टू वर्क डे की एक झलक शेयर की है। जी हाँ, हाल ही में वो अपनी बेटी मालती मैरी को हैट्स ऑफ स्टेट के सेट पर लेकर गई थी और अब एक्ट्रेस ने सेट से मालती की क्यूट फोटो शेयर की है। इन फोटोज में प्रियंका और मालती को एक साथ मस्ती करते भी देखा जा सकता है। प्रियंका की फिल्म की बात करें तो हैट्स ऑफ स्टेट एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है। एक 25 वर्षीय महिला ने हाल ही में एक्टर रवि किशन को अपना पिता होने का दावा किया था और अब रवि किशन को इस मामले में एक बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, मुंबई के डडोसी सेशन कोर्ट ने रवि किशन की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की डीएनए टेस्ट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिका दायर करने वाली महिला शिनोवा ने दावा किया था कि वो रवि किशन की बेटी है। विनोद खन्ना अपने जमाने के सुपरस्टार हुआ करते थे और एक समय था जब उन्होंने अमिताभ बच्चन की चमक को भी फीका कर दिया था, लेकिन अभिनेता ने आज ही के दिन 27 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया था। दरअसल ब्लड कैंसर के चलते उनका निधन हुआ था। वहीं एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने अपना भरा पूरा परिवार छोड़ संन्यास लेने का फैसला लिया था। 60 साल की अलेहेंद्रा मरीसा रोड्रिग्स ने एक नया इतिहास रचा है। दरअसल उन्होंने 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनोस आयरस 2024 का खिताब अपने नाम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोड्रिग्स की जीत एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि वो इस तरह की प्रेस्टीजियस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने वाली अपनी उम्र की पहली महिला बनी है। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर गुरचरण सिंह कथित तौर पर लापता हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि 50 साल के एक्टर के पिता ने पुलिस में मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई है और उन्होंने ये भी बताया कि गुरचरण सिंह मुंबई जाने के लिए 22 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे घर से एयरपोर्ट के लिए निकले थे, लेकिन वो मुंबई तक पहुंचे ही नहीं और उनसे फोन के जरिए भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अली गोनी और जैस्मिन भसीन के फैंस के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में अली गोनी ने एक बयान में दोनों की शादी की अटकलों को हवा दे दी है। एक इंटरव्यू में अली ने कहा कि उनकी माँ उन्हें शादी के लिए कह रही है और वो दोनों भी इस शादी के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी हो सकता है और शायद अब जल्द ही हमसे कोई खुशखबरी सुन सकते हैं। शाहरुख खान बीती शाम अपने बेटे अब्राम के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का आईपीएल मैच देखने पहुंचे थे और इस दौरान की एक फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दरअसल केकेआर के कैप्टन का विकेट जाने पर अब्राम अफसोस जताते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये क्यूट रिएक्शन कैमरा में कैद हो गया है, जिसे अब फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इस पर अपने तरह तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। सलमान खान फायरिंग केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, खबर है कि अब इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बता दें कि अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी खुद पर ली थी। टीवी एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने शुभ शगुन शो के प्रोड्यूसर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इस इंसिडेंट के बारे में भी बताया है। एक्ट्रेस ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्हें शुभ शगुन शो के दौरान सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो इस वक्त डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रही हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी फीस भी अभी तक नहीं दी गई है। वहीं कई स्टार्स अब उनके सपोर्ट में भी आते नजर आ रहे हैं। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।